सरदार भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, भारत माता की जय। गाड़ियों का काफिला हाईवे पे चल रहा और 300 तो आरएक्स एक गाड़ी में भर के आता। कुछ गाड़ियां बस आगे निकल जाती है, कुछ पीछे निकल जाती है। जब आर्मी चलती है रोड पे तो ऑटोमेटिकली रोड पर जाम कर दिया जाता है, उसी तरह से कि कोई घटना ना हो। लेकिन उस दिन ऐसी क्या चूक हुई, उस दिन ऐसी क्या चूक हुई कि 4400 आर्मी के बैठ रहे थे और वो आरएक्स से भरी हुई गाड़ी उस बस से टकराई और हर घर से हर देशवासी के गलों में ऐसी करुणा की लौ आई कि हमारे देश के 44 शहीद हुए। देशभक्त जो पूरी तरह से देश की सेनाओं में कहीं ना कहीं तत्पर थे, हर देशवासी रोया और आज उसी याद को करते हुए आज हम ब्लैक डे मना रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे प्रेम का दिवस मनाए, हर घर में दिया जले, आज की याद में पुलवामा की याद में सरदार भगत सिंह की याद में कि उन्होंने हमारे देश में हमारी आजादी के लिए, हमारे परिवार की आजादी के लिए जो इतना बड़ा हवन किया था, इतनी बड़ी आहुति दी थी, इसके लिए क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या यही नैतिक जिम्मेदारी है कि आज हम प्रेम का दिवस मनाए और आपस में फूल सेलिब्रेट करें? नहीं, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है आज कैंडल मार्च भी हो और हर घर में कम से कम घर में दिए का दिए जले, जिससे कि हम उन शहीदों को सच्चे मन से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। कम से कम ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर एक दिन गलती से कुछ समय के लिए भारतीय सैनिकों को हटा दिया जाए तो आप इस देश में ऐसी दुर्दशा देखोगे, बॉर्डर तो छोड़ो गृह युद्ध की स्थिति आ जाएगी। तो हम सबको सोचना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर परिवार को, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हर घर में एक दिया जले और वो भी दीपिका जले। कम से कम उन 44 देशभक्त शहीदों की याद में, सरदार भगत सिंह की याद में, सुखदेव की याद में, राजगुरु की याद में कि उन्होंने हमारे देश में हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है, तो क्यों ना हम याद करें? सरदार भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, भारत माता की जय। देखिए बड़ा ही आज जो हम यहाँ नोएडा में हैं, मैं योगेश यादव जी को बुलाना चाहूँगा, वो आए। और देखिए ये एयरफोर्स कमांडो हैं, ये ऐसे देशभक्त जो हमारे लिए दिन रात वहाँ कार्य करते हैं, हमारे बीच में ही डोलते रहते हैं, हम इनको पहचानने में भूल कर देते हैं, धक्का भी मार देते हैं, धमका भी देते हैं, मगर ये लौट कर भी जवाब नहीं देते हैं। मैं गुजारिश कहूँगा कि हाथ जोड़ के सभी का अभिनंदन करें और बोलना चाहते हैं। और एक शख्सियत जो थे हमारे बीच में, अनिल सिंह जी, ये पूर्व मंत्री हैं, मगर इन्होंने हमसे कह दिया कि मेरा मंत्री पद खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम ऐसे व्यक्तियों का भी बहुत सम्मान करते हैं और अब मैं गुजारिश करूंगा कि चौहान साहब से वो आए और वो भी एक मिनट के अंदर अपनी बात श्रद्धांजलि दें। जो अच्छा डे हमारा मनाए को मनाना पड़ रहा है, दुख होता है कि आरडीएक्स ऐसी सरकार में जिसको देशभक्ति सरकार भी कहा जाता है, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसी सरकार पर, लेकिन अफसोस होता हमें कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हम सोच नहीं सकते।